What's up guys? तो दोस्तों आपको यहाँ से अचीवमेंट फीचर को लेके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये यूज कैसे करना है, मेरी रील्स वायरल नहीं हो रही है और मेरे अकाउंट में शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको मैं सिर्फ यहाँ से दो यहाँ से इमेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इमेज ये देख लेनी है और दूसरी इमेज ये आ रही है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंट ये है कि जो मैंने पहली वाली दिखाई है इसमें तो यहाँ से एक यहाँ से हाइड हो रहा है और तीसरे यहाँ से अनहाइड हो रहा है, यानी कि चार बैच होते हैं। चार बैच में से यदि आपने इनको चारों को यहाँ से अनहाइड कर दे, जैसे मेरी यहाँ से दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे ये चारों यहाँ से अनहाइड हो रहे हैं, यानी कि चारों हाईलाइट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने अकाउंट की जो रील्स होती है इनमें अपलोड करते समय अचीवमेंट फीचर में जाते हुए चारों यहाँ से आप हाइड कर लेते हो, जो जो इसमें लिखा हुआ है ट्रेंडिंग पोल, ट्रेंडिंग स्टिकर्स, ये सब चीज यहाँ से आप लगा लेते हो, चारों यहाँ से हाइड हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी रील्स यहाँ से रेडी हो चुकी है, आपकी रील्स यहाँ से इंस्टाग्राम खुद यहाँ से प्रमोट करेगा, आपकी रील्स वायरल होगी 100% होगी यदि आप ये चारों यहाँ से हाइड कर लेते हो। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ये सब हाइड होने से आपकी रील्स वायरल होती है, पर ये हाइड कैसे होंगे भाई? रुको, जरा सबर करो, वीडियो को एंड तक देखो। आप क्या करते हो, वीडियो एंड तक नहीं देखे फिर क्या करते हो, भाई मेरी रील्स वायरल नहीं हो रही, मैंने ये फीचर को यूज कर लिया, अपडेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेरी रील्स वायरल नहीं हो रही, भाई आपको यहाँ से वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। जब भी तो यार आप समझोगे कि आपको इस फीचर में और इस वीडियो में मैंने क्या बताया इस फीचर से लेके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप वीडियो को देख के चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और नए नए अपडेट्स इन फ्यूचर में आएंगे, सारा आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो करें स्टार्ट और जानते हैं इस फीचर का यूज कैसे कर सकते हैं अपनी रील्स वायरल करने के लिए। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो आप अपने अकाउंट की जो रील्स होती है उनमें अचीवमेंट फीचर को देखते हैं वो सिर्फ आपको ही दिखाएंगे, यानी यू कैन सी आपको ऊपर ही दिख जाएगा, यू कैन सी ओनली यू, यानी कि आप ये अचीवमेंट आप खुद से देख सकते हैं। जो भी आपकी विजिट करेगा इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है आपकी विजिट करेगा वो नहीं देख सकता, सिर्फ अपने अकाउंट में ही देख सकते हैं, दूसरे के अकाउंट में जाके अचीवमेंट फीचर के जो बैच होते हैं वो नहीं देख सकते। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आ रहा है कि यहाँ से आप अपने अकाउंट की जो रील्स होती है उसको यहाँ से अनहाइड कैसे करते हैं। क्या होता है कि यहाँ से एक दो तो आप यहाँ से कर लेते हो पर चारों करना इम्पॉसिबल हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आप यहाँ से ऑटोमेटिक अपनी ट्रेंडिंग यहाँ से ऑर्डर डाल देते हो, एक तो वहां से हो गया, और यहाँ से आप क्या करते हो ट्रेंडिंग इफेक्ट डाल देते हो, एक वहां से हो गया, पर जो दो होते हैं एक तो कम्युनिटी बिल्डर और दूसरा कोलैबोरेशन, यानी कि ये आपके अकाउंट में शो नहीं होती है। इसका मतलब आपके अकाउंट में जो रील्स होती है वो वायरल नहीं होगी जब तक ये चारों बैच यहाँ से अनहाइड नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि चारों को हाइड कैसे करना है, तो यहाँ से आपने दो तो कर लिए, अब आता है हमारा कम्युनिटी बिल्डर और यहाँ से कम्युनिटी। आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी बीच बीच में मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो थी मैंने रील्स अपलोड करी थी और यहाँ से वीडियो भी अपलोड करी थी कि उसमें मैंने बताया था कि हमारा तीसरा बैच आता है कम्युनिटी बिल्डर, यानी कि आपको अपने अकाउंट की जो रील्स होती है उसमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है, कम्युनिटी बनानी है कि यहाँ से मेरी रील्स होती है उसको वायरल कैसे करना है। वायरल तो जब ही होगी ना जब आपकी यहाँ से कम्युनिटी एक सेट होगी, यानी कि कम्युनिटी का मतलब है आपकी जो ऑडियंस होती है, जो आपकी फॉलोवर्स होते हैं, फॉलोइंग होती है, जो आपको फॉलो करती है आपकी रील्स को देख के, वो आपकी कम्युनिटी होती है, यानी कि आप अपनी रील्स को जितनी भी पब्लिक के साथ यहाँ से शेयर कर रहे हो वो आपकी कम्युनिटी होती है। जितनी आप यहाँ से बिल्ड कर रहे हो, यानी कि जितनी आप इंक्रीज कर रहे हो अपने पीपल को, फॉलोअर्स को, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाता है तीसरा बैच। चौथे बैच, यहाँ से चौथा बैच तो यहाँ से नामुमकिन से ही होता है, सबके अकाउंट में नहीं देखा, तीन तो सबसे ही कर लेते हैं, दो भी कर लेते हैं, एक तो हो ही जाता है यार। चौथा हो जाता है हमारा कोलैबोरेटर, यानी कि कोलैबोरेटर में आपको क्या करना है, यहाँ से किसी की भी साथ यहाँ से कोलैब कर रहे हैं, यदि आपको कोई फ्रेंड है यानी कि आपको जो फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, आप किसी को जानते हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो अपने अकाउंट में उसको यहाँ से फॉलो करवा सकते हो और कह सकते हैं कि भाई रिमिक्स वीडियो बनाते हैं, कोलैब करते हैं। कोलैब करने से क्या होगा, जो भी आप रील्स बना रहे हो उससे क्या होगा, एक तो आपका यहाँ से कोलैबोरेटर वाला यहाँ से बैच अनहाइड हो जाएगा, तीसरा आपको क्या करना है, यहाँ से आपकी जो फॉलोअर्स होंगे, जो आपके फ्रेंड के फॉलोअर्स है, वो भी आपके अकाउंट पर विजिट करेंगे, क्योंकि जो आपके यहाँ से दो फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि जो आप कोलैब कर रहे हो दोनों पर्सन के साथ, वो आप क्या करते हैं दूसरे की फॉलोइंग होती है, पहले पर्सन पे भी आती है, विजिट करती है, ताकि यार अच्छी प्रोफाइल है, वो क्या करते हैं यहाँ से उनकी सारी रील्स देखते हैं, अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। इससे क्या होता है आपकी रील्स टोटली यहाँ से दो तरीके से वायरल हो जाती है, एक तो अचीवमेंट फीचर को लेके और दूसरा यहाँ से कोलैबोरेटर के लिए, यानी कि आप कोलैब करके किसी की भी पब्लिक अपनी तरफ खींच सकते हैं और यहाँ से आप इजीली अपने रील्स को वायरल कर सकते हैं, अपने अकाउंट को इजीली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप चारों बैचों को यहाँ से यूज कर सकते हैं, उनको हाइड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपको नहीं समझ में आया था तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको वीडियो के सारे आपको अचीवमेंट फीचर की जो बैच होते हैं चार, इनको कैसे हाइड करने हैं वो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर हो
हो चुके होंगे कि क्या क्या कम्युनिटी बिल्डर होती है, कोलैब कैसे करना है, यहाँ से कम्युनिटी स्ट्राइक क्या होती है, वो सारे यहाँ से ट्रेंड स्पॉटर क्या होता है, ये चारों मैच मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। वो यूज कैसे करना है वो भी आपको बता दिए, रील्स वायरल कैसी होनी है वो भी आपको बता दिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स एंड टिप्स के साथ। टेक केयर एंड बाय।